हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है खिदमत करना, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर। दो पुल बनवाकर, चार सड़कें बनवाकर, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। और दूसरा, हमारे सामने ऐसे पेश होते हैं कि जैसे कितना बड़ा एहसान करते हैं हमारे ऊपर, और ये आज तक आपने होने दिया अपने इलाके में, आज के बाद ये नहीं होने देंगे, बार बार एक गलती को नहीं दोहराएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बल्कि आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना बर्दाश्त करोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे, और ज़रूरत ही क्या है बर्दाश्त करने की। देखें, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि आप शायद अपने पोटेंशियल को भूल गए हो, आप शायद ये भूल गए हो कि किसी भी मुल्क में अवाम से बढ़कर अवाम से बड़ा कोई नहीं होता। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, आला फैसिलिटीज़ हासिल हैं इन्हें, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके बच्चे ब्रांडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन शायद हम अवाम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनकी तरह खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। सो मैं कहता हूँ कि तालियां मारने से कुछ नहीं होगा, हमें चेंज लाना पड़ेगा। देखें, शायद आप अपनी ताकत को भूल गए हो, शायद आप ये भूल गए हो कि हुक्मरान हम बनाते हैं, हुकूमत हम बनाते हैं, ताकत हमारी है। जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। और जो हम पैसा टैक्स देते हैं, और जो पैसा हमारा है, वो हमारे ऊपर ही लगेगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज़।